हमारा ह्यूमन बॉडी एक कॉम्प्लेक्स और हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है जो कई यूनिक सेल्स से मिलकर बनता है। हमारे बॉडी के सारे सेल्स और अलग अलग ऑर्गन्स कुछ इस तरह से काम करते हैं जिससे हमारा जीवन संभव हो पाता है। ह्यूमन बॉडी से जुड़ी इतनी सारी जानकारी है जिसको समझने के लिए आपको इसका गहन अध्ययन करना पड़ता है। इस वीडियो में ह्यूमन बॉडी से जुड़े कुछ छोटी छोटी जानकारी लेकर आई हूँ जो हर किसी को पता होनी चाहिए। ह्यूमन बॉडी से संबंधित ये छोटी छोटी जानकारी है, लेकिन ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है अगर आप किसी स्कूल का एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और ये चेक करें कि इन 22 सवालों में से आपके कितने सवाल सही थे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेहा, वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड अ चाइल्ड। व्हिच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ अ बॉडी? हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? लंग्स, हार्ट, स्किन, ब्रेन? आंसर इज स्किन। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी? एक वयस्क ह्यूमन बॉडी में कितने बोन्स होते हैं? 203, 206, 204, 210? आंसर इज 206। द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज? मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है? 96.4 फ़ारेनहाइट, 98 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट, 99.4 फ़ारेनहाइट? आंसर इज 98.6 फ़ारेनहाइट। डैश हेल्प्स बोन्स टू मूव। क्या हमारे हड्डियों को मूव करने में हेल्प करता है? हार्ट, लंग्स, ब्लड, मसल्स? आंसर इज मसल्स। विच ऑफ दीज इज द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? ऐसे कौन सा ऑर्गन ह्यूमन बॉडी का इंटरनल ऑर्गन है? ईयर्स, किडनीज, हैंड्स, नोज? आंसर इज किडनीज। व्हाट इज द नंबर ऑफ मिल्क टीथ प्रेजेंट इन अ चाइल्ड? एक बच्चे में दूध के दांत कितने होते हैं? 10, 32, 20, 25? आंसर इज 20। फ्रंट कटिंग टीथ आर कॉल्ड? हमारे आगे के दांत जिससे हम खाने को कट करते हैं उसे क्या कहते हैं? कैनाइंस, मोलर्स, इनसीजर्स, प्री मोलर्स? आंसर इज इनसीजर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंस ऑर्गन? इनमें से कौन सा हमारा सेंस ऑर्गन नहीं है? नोज, आई, हार्ट, स्किन? आंसर इज हार्ट। इम्प्योर एयर रिलीज्ड बाय ह्यूमन बॉडी इज? ह्यूमन बॉडी से जो अशुद्ध हवा रिलीज होती है वो कौन सी है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन? आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। द टू होल्स इन नोज आर कॉल्ड? नाक के जो दो छेद होते हैं उसे क्या कहते हैं? लंग्स, नॉस्ट्रिल्स, पिट्स, पोर्स? आंसर इज नॉस्ट्रिल्स। विच पार्ट ऑफ अ बॉडी डज नॉट हैव बोन्स? इनमें से हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट है जिसमें हड्डियां नहीं होती? शोल्डर, स्कल, थाई? नन ऑफ दीज। आंसर इज नन ऑफ दीज। द प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट आर कॉल्ड? दो हड्डियां जहां पर जुड़ती हैं उसे क्या कहते हैं? मसल्स, रिब्स, हार्ट, जॉइंट्स? आंसर इज जॉइंट्स। विच ऑफ दीज इज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन? इनमें से कौन सा हमारा श्वसन तंत्र है? लंग्स, हार्ट, किडनी, ब्रेन? आंसर इज लंग्स। स्कल प्रोटेक्ट्स विच पार्ट ऑफ अ बॉडी? स्कल हमारे शरीर के कौन से अंग को सुरक्षित रखता है? हार्ट, स्पाइनल कॉर्ड, लंग्स, ब्रेन? आंसर इज ब्रेन। ब्लड हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट? ब्लड किस चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करता है?
न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन वाटर बोथ ए एंड बी. आंसर इज बोथ ए एंड बी. विच ऑफ दीज डिजीजेस इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए इन अ ह्यूमन बॉडी. इनमें से कौन सी बीमारी हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी से होती है? स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, अनीमिया, वीक बोन. आंसर इज नाइट ब्लाइंडनेस. विच ऑफ दीज डिजीजेस इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी इन आवर ह्यूमन सिस्टम. इनमें से कौन सी बीमारी हमारे शरीर में विटामिन बी की कमी से होती है? स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरीबेरी, वीक बोन. आंसर इज बेरीबेरी. Which of these diseases is caused by deficiency of vitamin C in our human body? इनमें से कौन सी बीमारी हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी से होती है? स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, अनीमिया, वीक बोन. आंसर इज स्कर्वी. Which of these diseases is caused by deficiency of vitamin D in our human body? इनमें से कौन सी बीमारी हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी से होती है? स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, अनीमिया, वीक बोन्स. आंसर इज वीक बोन्स. विच ऑफ दीज डिजीजेस इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई इन आवर बॉडी. हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, हेमोलाइटिक अनीमिया, वीक बोन्स. आंसर इज हेमोलाइटिक अनीमिया. Which of these diseases is caused by deficiency of vitamin K in a human body? इनमें से कौन सी बीमारी हमारे शरीर में विटामिन के की कमी से होती है? स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, एक्सेसिव ब्लीडिंग, हेमोलाइटिक अनीमिया. आंसर इज एक्सेसिव ब्लीडिंग. अगर आप किसी स्कूल में किसी क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक, तो इससे संबंधित मैंने सैम्पल टेस्ट पेपर अपने चैनल पे बनाए हैं. साथ ही स्कूल कॉलेज एडमिशन से संबंधित यूजफुल जानकारी मेरे चैनल पे वीडियोस हैं. आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें. उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलती हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.